हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक है, एक चीज़ ध्यान रखना, यानी कि एक अच्छी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अगर हम बात करें एक अफेक्टिव एंड गुड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, इसमें जो बेसिकली हम पढ़ेंगे रिलायबिलिटी, रेलिवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, फेथफुल प्रेजेंटेशन, ये इसके मेन पॉइंट्स हैं। इनको मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग बात करेंगे रिलायबिलिटी की। देखो, आपको टॉपिक का सबसे पहले, जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपको उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वालिटेटिव हम फीचर्स पढ़ने वाले हैं, किसके पढ़ने वाले हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के। तो क्वालिटेटिव फीचर्स मतलब क्या चीज़ होनी चाहिए एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, क्या चीज़ होनी चाहिए। देखो, जो जनरल फीचर्स है वो हम लोगों ने पढ़ लिए हैं कि ये चीज़ें होती हैं। ओके, वो आपको जो वीडियो है वो आपको अकाउंटिंग की एक प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटेटिव फीचर्स, या फिर आप इसको एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के। तो सबसे पहला जो है, दैट इज़ रिलायबिलिटी। कौन सा है? रिलायबिलिटी। अब देखो, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि रिलायबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या है। देखो, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो क्या होनी चाहिए? रिलायबल होनी चाहिए। रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल का मतलब यहाँ पे जो है, इन्फॉर्मेशन फैक्चुअल के साथ साथ वेरीफाइबल होनी चाहिए। अब देखो, जो वेरीफाइबल है ना, वो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है। देखो, मैं इसको तभी हाईलाइट करूँ, मैं आपको साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट वर्ड है वो हाईलाइट करके बताऊँगी। जो हाईलाइटेड चीज़ें होंगी वो आपने बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। ठीक है, अब देखो, वेरीफाइबल, वेरीफाइबल का मतलब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो भी हमने लिखी है उसको हम क्या कर पाएँ, उसको हम वेरीफाई कर पाएँ। ओके, अब वेरीफाई कैसे करेंगे? देखो, सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ध्यान रखना। द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज सेट टू हैव वेरीफाइबिलिटी इफ सच इन्फॉर्मेशन कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अगर इस इन्फॉर्मेशन को हम सोर्स डॉक्यूमेंट से वेरीफाई कर पाएँ। अब सोर्स डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, आप लोगों ने टर्म सुनी होगी वाउचर्स। वाउचर्स एक टाइप का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, या फिर अगर आप सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो एक प्रूफ होता है एक बिजनेस ट्रांजेक्शन का। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लोगों ने कैश में परचेज़ किया है तो आपने पेमेंट किया होगा। अगर आपने पेमेंट किया है तो आपको कैश रिसीट भी मिली होगी उस चीज़ से रिगार्डिंग। ठीक है, तो उस कैश परचेज का वो एक आपका क्या हो गया, उस ट्रांजैक्शन का आपके पास प्रूफ हो गया। ठीक है, उसी को हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसको हम वेरीफाई कर पाएँ, काफ़ी सारे सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं हमारे, लाइक कैश मेमोज हो गए, परचेज इनवॉइजेस, सेल्स इनवॉइजेस, कॉरेस्पॉन्डेंस, एग्रीमेंट्स, प्रॉपर्टी डीड एंड अदर सिमिलर डॉक्यूमेंट्स। ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब आप ये देखिए, हम बात कर रहे हैं कि वेरीफाइबिलिटी की। वेरीफाइबल क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इससे जो है हमें ट्रूथफुलनेस पता चलती है, सच्चाई पता चलती है कि क्या जो भी रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन हैं वो एक्चुअली में हुई हैं या नहीं हुई। जब हमारे पास उसके लिए जो सोर्स डॉक्यूमेंट होगा, वाउचर हमारे पास उसके लिए होगा, तो इसका मतलब वो ट्रूथफुल है। ठीक है, विच कैन बी इंडिपेंडेंटली चेक बाय एनीवन इंटरेस्टेड टू असर्टेन द ट्रू पोजीशन। ठीक है, बट इफ़ द सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर नॉट अवेलेबल, द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज्ड बाय P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट विल नॉट बी केपेबल ऑफ बींग वेरीफाइड। वेरीफाई हम नहीं कर पाएंगे। किससे वेरीफाई करेंगे? हमारे पास कोई सोर्स डॉक्यूमेंट ही नहीं है, तो इसका मतलब हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते। यानी कि हम ये कह सकते हैं वो वाली अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है नॉट रिलायबल है। देखो, कुछ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स तो बहुत ज़्यादा रिलायबल होते हैं और कुछ नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको देखो कोई भी टॉपिक का अगर आपको एग्ज़ाम्पल क्लियर होगा ना, तो आप कभी भी भूलोगे नहीं उस टॉपिक को। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट एक्चुअल कॉस्ट इज मोस्ट रिलायबल सिंस द सेम कैन बी इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड फ्रॉम द प्रॉपर्टी डीड। देखो, जब हम अपने बिजनेस में कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो प्रॉपर्टी डीड होता है एक टाइप का, ये एग्रीमेंट होता है। ठीक है, अब हमारे पास एग्रीमेंट है
तो उस पे जो है उस प्रॉपर्टी की कॉस्ट ऑलरेडी है हमारे पास, तो अब हम क्या करेंगे उस कॉस्ट को इजीली वेरीफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो ये रिलायबल हो गया, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, अगर हमने रिलायबिलिटी चेक करनी है इसका मतलब हम उसकी वेरीफाइबिलिटी चेक करेंगे। ये क्वेश्चन भी आता है, रिलायबिलिटी का मतलब उसकी वेरीफाइबिलिटी चेक करेंगे। ओके, अब एक और चीज़ देखिए, लेकिन अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कुछ ट्रांजैक्शंस की जो है रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अदर ट्रांजैक्शंस की हो सकता है ना हो, बट इट इज़ नॉट फ्यू सम अदर ट्रांजैक्शंस, बिकॉज जो आपको मैंने फीचर्स में बताया था कि एग्जैक्ट साइंस नहीं है हमारी अकाउंटिंग, ठीक है, अकाउंटिंग एग्जैक्ट साइंस नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखिए, जो डेप्रिसिएशन है फिक्स एसेट्स पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है उसको हम इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपने देखा होगा जब हम डेप्रिसिएशन करते हैं लगाते हैं तो हम एक एसेट के यूज़फुल लाइफ को एस्टिमेट कर लेते हैं। जैसे सपोज़ हमने कह दिया ये 10 ईयर्स चलेगी, ये 5 ईयर्स चलेगी, हमने जस्ट यहाँ पे अपना एस्टिमेशन दिया है, ठीक है, और वो एस्टिमेशन को क्या चाहिए, पर्सनल जजमेंट चाहिए। ओके, एंड पर्सनल जजमेंट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड वाइल वैल्यूइंग स्टॉक एंड मेकिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आप पढ़ेंगे स्टॉक को वैल्यूएशन करने के भी अलग अलग मेथड्स होते हैं, ठीक है, डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविज़न बनाने के भी अलग अलग मेथड होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इन ट्रांजैक्शंस में रिलायबिलिटी लानी है तो पर्सनल जजमेंट जो भी है वो फ्री फ्रॉम बायसनेस होनी चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखना, कैसी होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम बायसनेस होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मेरा मेन आपको कहने का मकसद ये था कि जो मैंने आपको, देखो है इजी लैंग्वेज, हो सकता है कि थोड़ा आपको इसमें रिलायबिलिटी के बारे में मैंने डिटेल में बताया है, बट मेरा डिटेल में बताने का मकसद ही यही है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, लैंग्वेज आप लोगों के लिए इजी है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है बस जो मैंने हाईलाइट किया है, रिलायबिलिटी आते ही आपके माइंड में वेरीफाइबल वर्ड आ जाना चाहिए और फ्री फ्रॉम बायसनेस ये भी आ जाना चाहिए, ठीक है। कुछ वर्ड्स इंपॉर्टेंट है लाइक सोर्स डॉक्यूमेंट्स, ये सब आपने बिल्कुल भी नहीं भूलने, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की। नेक्स्ट फीचर जो है वो हमारा कौन सा है, रेलिवेंस। ओके, रेलिवेंस है। अब आप ये देखिए, पहले हमने रिलायबिलिटी कर लिया, अब है रेलिवेंस। रेलिवेंस का मतलब ये है कि जो हमारा एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो होनी चाहिए उसी के अकॉर्डिंग। ये देखो यहाँ पे मेन वर्ड है, यहाँ पे The accounting information depicted by financial statements must be relevant to the objectives of the enterprises. ठीक है, हमारी जो enterprises है उसके objectives के according क्या होनी चाहिए, वो relevant होनी चाहिए, ये important है। okay, ये नहीं है कि हम unnecessary और जो irrelevant है, जो ज़रूरी नहीं है उन्हीं को हम include किए जा रहे हैं financial information में, ऐसा नहीं होना चाहिए financial statement में, ठीक है। अब आप इसका एग्जांपल से समझिए। फॉर एग्जांपल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रेट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी डिविडेंड पेड बाय अ कंपनी इन प्रीवियस ईयर इज अ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फॉर द इन्वेस्टर्स। अब देखो इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्होंने शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है सपोज, ठीक है। अब शेयर्स के ऊपर क्या पे किया जाता है, डिविडेंड पे किया जाता है, ठीक है। अब जो डिविडेंड है वो लास्ट के इयर्स में कैसा कैसा डिविडेंड रहा वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रह जाती है, किसके लिए, शेयर होल्डर्स के लिए या फिर इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे तो वो फोरकास्ट करेंगे फ्यूचर डिविडेंड को, तो इनके लिए रेलिवेंट है। ओके, तो रेलिवेंसी का मतलब जो जिसका ऑब्जेक्टिव है, मतलब हमारा उसके अकॉर्डिंग वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो फीचर है दैट इज अंडरस्टैंडेबिलिटी। अगर मैं बात करूँ अंडरस्टैंडेबिलिटी, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो प्रेजेंट इस टाइप से की जानी चाहिए कि सिंपल और लॉजिकल मैनर में। यहाँ पे अंडरस्टैंडेबिलिटी फीचर में जो आपके मेन वर्ड हैं वो आपने याद रखने हैं, सिंपल एंड लॉजिकल। देखो सिंपल होना भी ज़रूरी है बट लॉजिकल लॉजिकल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो सिंपल होगी तो इजीली उसके जो भी यूज़र्स हैं जैसे कि इन्वेस्टर्स, लैंडर्स, एम्प्लॉयज़, वो लोग समझ पाएंगे, ठीक है। अ पर्सन हु डज नॉट हैव एनी नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी शुड ऑल्सो बी एबल टू अंडरस्टैंड देम विदाउट मच डिफ़िकल्टी, क्योंकि जो जनरल चीज़ें हैं ना, वो जो जनरल पब्लिक है, आपको पता है जो हमारे P&L वगैरह, ये सारी बैलेंस शीट वगैरह, ये हमारे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को हमने इस टाइप से प्रेजेंट करना है
कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है अकाउंटिंग की, वो लोग भी समझ पाएँ, ठीक है। अब ये कैसे दिया, कैसे उनको समझ कैसे आएगा, हम जो देते हैं एक्सप्लेनेटरी नोट्स, ठीक है, ये ध्यान रखना, एक्सप्लेनेटरी नोट्स हम देते हैं कैस किसके अंडर, आपने देखा होगा बैलेंस शीट के अंडर या फिर आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनके नीचे आपके क्या दिए होते हैं, एक्सप्लेनेटरी नोट्स दिए होते हैं। इसको हम लोग जो है फुट नोट्स भी बोलते हैं, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। दिस कैन बी डन बाई गिविंग रेलिवेंट एक्सप्लेनेटरी नोट्स टू एक्सप्लेन द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। जनरल टॉपिक्स विच शुड बी इंक्लूडेड इन एक्सप्लेनेटरी नोट्स, कौन कौन से आजकल जनरली हम इंक्लूड करते हैं, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है, कौन सा मेथड यूज़ किया है हमने, लाइक स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, या फिर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में कौन सा मेथड यूज़ किया है, कौन सी कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है। कॉन्टिंजेंट, देखो इस पे एक वर्ड जुड़ा हुआ है लाइबिलिटी के आगे, कॉन्टिंजेंट, यानी कि ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, ठीक है। सपोज़ आपके अगेंस्ट किसी कस्टमर ने, किसी क्लाइंट ने कोर्ट केस किया हुआ है, ठीक है, अब उसने कोर्ट केस किया हुआ है तो वहाँ पे क्या होगा, कोर्ट केस किया हुआ है, हो सकता है वो आपके फेवर में हो सकता है वो आपके अगेंस्ट हो, तो यहाँ पे अभी आपकी लाइबिलिटी ये नहीं है कि हम लाइबिलिटी अराइज हो गई है, तभी इसको कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी बोलते हैं, तो ये भी आपने बतानी है, ओके। तो आपको अंडरस्टैंडेबिलिटी में सिंपल एंड लॉजिकल मैनर में बताना है, और एक इंपॉर्टेंट वर्ड ध्यान रखना है एक्सप्लेनेटरी नोट्स, ओके। नेक्स्ट फीचर की अगर मैं बात करूँ, दैट इज कंपेयरेबिलिटी, कंपेयर करना, ठीक है। अब कंपेयरेबिलिटी जो है काफ़ी यूजफुल क्वालिटी है हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, ऐसी फाइनेंशियल, मतलब जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें ऐसे फिगर्स होने चाहिए, फिगर्स यानी कि प्रीवियस ईयर और उसके साथ साथ करेंट ईयर, यानी कि सपोज जो भी हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसमें एक कॉलम जनरली हम प्रीवियस ईयर का, एक करंट ईयर का, मतलब पिछले साल क्या परफॉर्मेंस रही, करंट ईयर। जैसे मान लो पिछले साल हमारा जो प्रॉफिट है, सपोज हमारा पिछली बार जो है वो प्रीवियस ईयर में जो प्रॉफिट है वो हमारा कितना रहा, वो 60,000 रहा, ठीक है। अब करंट ईयर में हमारा प्रॉफिट 80,000 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखिए, इसका मतलब ये हो गया, जैसे आपको मैंने बताया कि पहले 60,000 थे, ठीक है, ओके, पहले 60,000 थे, अब हमारे प्रॉफिट बढ़कर रुपीज़ 80,000 हो गए हैं। इसका मतलब हम कंपैरिजन कर पा रहे हैं कि जो हमारे 20,000 प्रॉफिट हैं वो अप गए हैं, हम कर पा रहे हैं ना कंपैरिजन, तो यही होता है, ठीक है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड कंटेन द फिगर्स ऑफ प्रीवियस ईयर अलॉन्ग विद द फिगर्स ऑफ करेंट ईयर so that the performance can be compared with past performance, okay। उसके बाद देखिए, similarly the financial statement should be prepared in such a way that the profitability and financial position of the concern may be compared with other concerns of the similar type। देखो अब मैं आपको दो terms बताना चाहूँगी, वो आप लोगों ने ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर हम उन दो टर्म्स की बात करें, एक तो होता है आप लोगों का एक आपकी टर्म है इंट्रा फर्म, ओके, एक आपकी टर्म होती है इंट्रा फर्म और एक आपकी टर्म होती है इंटर फर्म, आपको दोनों का मतलब पता होना चाहिए। अगर मैं इंट्रा फर्म की बात करूँ तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ आप लोगों के साथ विद इन द फर्म, विद इन द फर्म में जैसे मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर करेंट ईयर कंपैरिजन कर रहे हैं, वो जो अभी बताया, और इंटर फर्म में होता है फर्म ए जो है फर्म बी के साथ, सी के साथ अपना कंपैरिजन कर रही है, ठीक है। तो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बोथ इंट्रा फर्म एंड इंटर फर्म ऐसी होनी चाहिए कि हम कंपैरिजन कर पाएँ, ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो, लेकिन जो हम कंपेरेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो कंपेरेबिलिटी इज़ पॉसिबल when different firms in the same industry जैसे suppose हम textile industry ले लें, paper industry, कुछ भी, ठीक है। तो जो same industry की जो different firms है वो same accounting principles को adopt कर रही हैं from year to year, ठीक है। अब for example diminishing balance method अगर हम depreciation का use करें, diminishing वाला जो method है इसको हम लोग जो है reducing balance method भी बोलते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब आप ये देखिए,
डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड अगर यूज़ किया जा रहा है तो इट शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर। ऐसा नहीं कि आप उसे चेंज किए जा रहे हैं ऐसे स्टॉक वैल्यूएशन का मेथड। लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, कॉन्सिस्टेंसी प्रिंसिपल हम तो फॉलो करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर मेथड एक बार अडॉप्ट कर लिया तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। When change in the method is desirable for the purpose of better preparing and reporting the accounting information, it should be changed. अगर वो change अच्छा है, for the betterment है, ज़रूरी है, तो हमें change कर देना चाहिए, ठीक है। In such a case, the nature and effect of change and the justification for change must be stated. लेकिन आप बता देंगे कि हमने ये method change किया और उसका क्या justification है, वो footnotes के जरिए हम लोग बता देंगे अपने accounting information के users को, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब उसके बाद जो next feature है वो है faithful presentation. फेथफुल प्रेजेंटेशन का मतलब यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट वर्ड है वो है ट्रू एंड फेयर व्यू, ओके। जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ वो आपने ध्यान रखनी है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शो अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल पोजिशन एंड कैश फ्लोज ऑफ एन एंटरप्राइज, ठीक है। तो जो अगर आप अप्रोप्रिएट, देखो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, अगर उनको फॉलो करेंगे तो ट्रू एंड फेयर व्यू भी आएगा, ओके। तो मैंने आप लोगों को ये जो बताई हैं सारी आपको पता होनी चाहिए, रिलायबल, ठीक है, जो हाईलाइट किया वो वर्ड ध्यान रखने हैं, रेलिवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी एंड फेथफुल प्रेजेंटेशन, ठीक है। ये सारी जो है आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ओके। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ओके। कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। हैव अ नाइस डे।